तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज दिन है थर्सडे। और चलो पहले ब्रेकफास्ट, पहले एक्सरसाइज करते हैं। और उससे भी पहले पहले ची पक्षियों को पानी और दाना। और ये देखिए दोस्तों, जो हमने थोड़ा सा चावल डाले थे और कबूतर उनको खाने आ चुके हैं। तो दोस्तों, एक बार हम फिर आ चुके हैं अपने नज़दीक के स्विमिंग पूल में। बहुत तेज़ गर्मी अभी, देखो ये, देखो ये पत्थर से तप रहे ना धूप में। और ये देखो, ये हमारा स्विमिंग पूल। तो चलिए नहाते हैं, लेट्स गो। दोस्तों ये है हमारा नेचुरल स्विमिंग पूल गांव का। और ये आपको दिख रहे होंगे सब पानी के अंदर, ये लकड़ियां दबा के रखी हुई हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं भीमल, भीमल बोलते हैं इसको। तो ये अभी लकड़ियाँ पानी में दबा के रखी हुई हैं, कुछ टाइम बाद ये बाहर निकाली जाएंगी। तो इस लकड़ियों के जो बाहर का कवर है, वो छिलका, उस छिलकों को निकाल के रस्सी बनाई जाएगी। और उसके अंदर की जो लकड़ी है, उसको आग जलाने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बहुत पुरानी एक परंपरा है, बहुत पुराना एक, जब पहले के ज़मानों में आग जलाने के डीजल पेट्रोल या कोई कैरोसिन नहीं था, तो ये चीज़ें प्रयोग में लाई जाती थी, जो आज भी इस्तेमाल होती हैं। ये लकड़ी, ये बहुत तेज़ी से आग को पकड़ती है। और इसकी जो भार, इस लकड़ी का जो भार का छिलका है, वो रस्सी बनाने के काम आता है। उस रस्सी से गाय भैंस को बांधा जाता है उनके खूंटे से। ये देखो, ये आजकल आपको बहुत जगह, जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ ये ऐसे लकड़ी के ढेर बांध के रखे जाते हैं पानी में दबा के। तो पानी में जब ये सड़ जाएगी, इसका बाहर का कवर बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हो जाएगा, तो इसको निकाल के एक तरफ इसकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ये एक अतिरिक्त जानकारी। और ये हमारा स्विमिंग पूल। ये देखिए, बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, वो हमें देख के दाएं बाएं भाग रही हैं। दोस्तों नहाना भी हो गया है और अब चलते हैं रूम की तरफ।
देखो सूरज ढलने वाला है। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। तो वैसे बड़ा मार्केट तो है नहीं यहाँ पे, छोटा सा ही मार्केट है, दो तीन दुकानें हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। और यहाँ पे ना बाघ भी आ जाता है, कल बता रहे हैं दिन में बाघ ने एक बैल को मार दिया यहाँ पे, दिन में ही 2-3 बजे ही। अब आजकल जानवर नदी के पास आ रहे हैं पानी पीने के लिए, तो कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे बाघ उनको देख रहा है और वहीं छुपा हुआ है आसपास। तो बता रहे थे कि कल परसों दिन में ही एक बैल पे अटैक कर दिया। तो दोस्तों सब्ज़ी लेके आ गया हूँ, जूस भी मिल गया है और पनीर भी मिल गया है, तो चलते हैं और करते हैं बनाने की तैयारी। ये देखिए ऊपर कितना घना जंगल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जस्ट ये रोड है बगल में, उसके ऊपर ये पूरा कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है। इतना घना जंगल है यहाँ, हर तरह के जानवर हैं, हाथी भी आता है कभी कभी यहाँ तक बोलते हैं रात को, या दिन में भी आता है। दिन में आजकल धूप तेज है लेकिन शाम को मस्त मौसम एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखिए पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों यहाँ पे। हाँ दिन में जैसे धूप है तब थोड़ा सा पंखे की जरूरत पड़ती है, लेकिन सुबह शाम तो बहुत मस्त मौसम है। तो दोस्तों खाना बनाने की तैयारी, पनीर हमारा कट चुका है, टमाटर प्याज और तेल गरम हो रहा है, तो फटाफट करते हैं तैयारी और फिर जब बन जाएगा फिर दिखाएंगे आपको। दोस्तों पनीर हमारा बन चुका है, ये पनीर जो है विदाउट मटर वाला पनीर है, क्योंकि मटर कहीं मार्केट में मिले नहीं। ये विदाउट मटर वाला पनीर, आलू डाले हुए हैं इसमें, पनीर तो मिला नहीं, तो ये आलू वाला पनीर है, आलू पनीर। दोस्तों पनीर की सब्जी बन चुकी है और चलो खाना शुरू करते हैं, पनीर और रोटी। तो दोस्तों खाना बन चुका है, खाना खा लिया है और अब बर्तन धोने की तैयारी। बर्तन धो के अब थोड़ा रीडिंग करेंगे फिर सो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद।